वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो यहाँ पर बी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2018 का क्वेश्चन पेपर है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो आज इस क्वेश्चन पेपर का आपके लिए मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर भी रिपीट होकर आते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही टफ था, वही ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल ही पेपर था, लेकिन जो स्टूडेंट्स नॉर्मल तैयारी करते हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर था। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करके जाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके 80+ क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है मोच का कारण है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्नायुओं का टूट या खिंच जाना। यह लिगामेंट की चोट होती है जिसे मोच कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर रेचक है, तो रेचक सांस बाहर छोड़ने को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मानव शरीर में जल का प्रतिशत है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 70%। नेक्स्ट है सबसे कम खर्चीली मनोरंजन क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रातःकाल सैर। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, गेहूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पीडोग्राफ क्या मापने के काम आता है, तो यह है सपाट पाँव मापने के काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से धावक ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चतुर्थ स्थान सुनिश्चित किया, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी मिल्खा सिंह और पीटी उषा दोनों ने ही ओलंपिक के फाइनल में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट यहाँ पर शेल्डन के द्वारा वर्गीकृत किए गए शरीर के प्रकार हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हैं, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 46 गुणसूत्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है वृद्धि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी, बाकी विटामिन ए, ई और डी तीनों ही वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मानक विचलन दर्शाता है, तो आंकड़ों का फैलाव दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक समय सारणी को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा की विधा से प्रशिक्षण हस्तांतरण सबसे अधिक तभी संभव है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी शिक्षक अभिप्रेरणा का उपयोग करता हो। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन बताया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, वुड्सवर्थ। नेक्स्ट यहाँ पर संज्ञानी विधा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यहाँ पर चिंतन अनुभव राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारी शारीरिक व्यायाम के दौरान अत्यधिक पसीना आने के कारण शरीर से अधिक निकलता है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पर थकान कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक थकावट राइट आंसर है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी छात्रों का सर्वांगीण विकास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिन डैन किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के आधार को कौन मजबूत बनाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सामाजिक अभ्यास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किसने शुरू किया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी CW Beers राइट आंसर है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का प्रमुख घटक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य में क्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अच्छी भूख नहीं है। नेक्स्ट है कैरीज रोग किससे संबंधित है, तो दांतों के बाहरी भाग से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर इनेमल होता है, तो यह दांतों में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कानों की सफाई किससे करनी चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड राइट आंसर हो जाएगा, कानों की सफाई हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल स्वास्थ्य समिति कब बनी, तो यह 1961 में बनी थी। नेक्स्ट है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई, तो यह 1920 में हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। नेक्स्ट है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर एथलीट फुट क्या है, तो यह एक बीमारी है। नेक्स्ट है मधुमेह का कारण है, तो इसका कारण होता है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट है रेबीज के इलाज की खोज किसने की, तो इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। नेक्स्ट है कौन सी पेशों की चोट नहीं है, तो यहाँ पर एवरेजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एवरेजन चोट कहाँ पर होती है, तो यह त्वचा पर होती है। नेक्स्ट है सबलेक्शन चोट संबंधित है, तो यह संधि से संबंधित है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आते हैं, त्वचा की, दांतों की और बालों की। नेक्स्ट है
रिकेटस रोग संबंधित है तो ये विटामिन डी से संबंधित है। नेक्स्ट डेंगू बुखार का कारण है तो इसका कारण होता है विषाणु। नेक्स्ट है छाती की हड्डियों की संख्या होती है तो यहाँ पर ऑप्शन डी 26 राइट आंसर है। नेक्स्ट तंबाकू का तत्व है तो यहाँ पर उपरोक्त सभी तंबाकू के तत्व है। तंबाकू में अमोनिया भी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है और कार्बन मोनोक्साइड और निकोटीन तीनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रक्त के लाल होने की वजह है तो इसका वजह है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट यहाँ पर घेंगा रोग का कारण है तो इसका कारण होता है आयोडीन की कमी। नेक्स्ट है पेक्टोरेलिस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है तो यह छाती में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीस में प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1776 ईसवी पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिकनिक का अनुशासन होता है तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट 2011 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया तो यह मुंबई में खेला गया था। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रकार है तो यहाँ पर उपरोक्त सभी प्रकार है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है किसने कहा तो ये अरस्तु ने कहा। नेक्स्ट है भारत में शिविर का सबसे अच्छा समय है तो भारत में शिविर का सबसे अच्छा समय शीत ऋतु है। नेक्स्ट है फीमर की लंबाई है तो इसकी लंबाई होती है 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डेल्टॉयड मांसपेशी पाई जाती है तो यह कंधे में पाई जाती है। नेक्स्ट है नेहरू दांत का संबंध है तो इसका संबंध जूनागढ़ से है। नेक्स्ट है हड्डी के कड़ेपन का कारण है तो इसका कारण है कैल्शियम। नेक्स्ट यहाँ पर वितरण का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर ऑप्शन ए मध्यमान राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो यह यथार्थ की दुनिया में रहता है। नेक्स्ट है शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है तो यहाँ पर ऑप्शन बी षटकर्म की क्रिया ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन सी रक्त बहना रोकना चाहिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है तो यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट चिमनियों से होता है तो चिमनियों से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यहाँ पर ऑप्शन डी यकृत राइट आंसर है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है तो यहाँ पर ऑप्शन सी फीमर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संधि के अध्ययन को कहा जाता है तो इसे ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत ने क्रिकेट का विश्व कप प्रथम बार कब जीता तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है 1983। नेक्स्ट है सर्जेंट कूद मापती है तो यह ऊर्ध्वाधर कूद योग्यता मापती है। नेक्स्ट है मिलेन वोल वोली परीक्षण है तो यह बैडमिंटन में है। नेक्स्ट है मनोरंजन से शरीर को मिलता है तो मनोरंजन से शरीर को संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट है शरीर की दक्षता का तत्व है तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गति शक्ति और क्षमता या सहनशीलता ये सभी शरीर दक्षता से तत्व है। नेक्स्ट है स्टेडियोमीटर से मापा जाता है तो स्टेडियोमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट है नोक शब्द संबंधित है तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट व्यायाम बढ़ाते हैं तो यह रक्त संचार बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कोशिकाएँ कहलाती हैं तो इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट घुटने के जोड़ कहलाते हैं तो इन्हें हिंज जोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट निरंतर दौड़ने की विधि से सुधार होता है तो इससे क्षमता में सुधार होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि से सुधार होता है तो इससे शक्ति का सुधार होता है। नेक्स्ट आज के युग में इनमें से किसकी आवश्यकता कम है यहाँ पर ऑप्शन डी पेजर राइट आंसर हो जाएगा। पेजर की आवश्यकता कम है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है तो यहाँ पर मनोरंजन और भोजन यह गलत है। नेक्स्ट है शारीरिक संपर्क मनोरंजन है तो ग्रामीणों के अनुसार है। नेक्स्ट है तंबों को गाड़ना तथा आवंटन करना हिस्सा है तो यह शिविर का हिस्सा है। नेक्स्ट है स्ट्रोकिंग का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है सहलाना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मालिश के प्रकारों में नहीं है तो यहाँ पर पुलिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिविर की समस्याएँ हो सकती है तो शिविर की समस्या उपयुक्त सभी हो सकती है पानी की कमी धन की कमी और अचानक किसी महामारी के फैलने से। नेक्स्ट यहाँ पर पेशियों पर मालिश के प्रभाव से तो पेशियाँ बलवान होती है। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण है तो यह कला एवं विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट है कौन सा प्रशिक्षण का साधन नहीं है तो मनोवैज्ञानिक साधन नहीं है। नेक्स्ट है ऊष्मा प्रेरक व्यायाम की अवधि निर्भर करती है तो यह उपयुक्त सभी से निर्भर करती है प्रतियोगिता के स्तर पर और मौसम पर और प्रतियोगिता के प्रकार पर। नेक्स्ट है बजट की प्रकृति होनी चाहिए तो बजट की प्रकृति लचीली एवं कठोर दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा है तो प्रशिक्षण का सिद्धांत यहाँ पर सभी है व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षण का सिद्धांत और साहित्य। नेक्स्ट यहाँ पर ऊष्मा प्रेरक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है रक्तदाब मापा जाता है रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर खेल प्रशिक्षण की विशेषता है तो इसकी विशेषता यहाँ पर शिक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर लचीलेपन का प्रकार है तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों प्रकार है सक्रिय और निष्क्रिय। नेक्स्ट है भार प्रशिक्षण की धारणा किसने दी तो यहाँ पर ऑप्शन सी फ्रेडरिक राइट आंसर है। नेक्स्ट ट्रैक एवं फील्ड में 400 मीटर की दौड़ एक उदाहरण है तो ये विशिष्ट क्षमता का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर बजट का सारांश है तो यहाँ पर आय वे व्यय दोनों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है तो यहाँ पर इसके सभी आंसर गलत दिए गए हैं तो स्टेबीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रकृति है तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों प्रकृति है गुणात्मक और परिमाणात्मक।
तो इस क्वेश्चन पेपर के सभी 100 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर जाएं, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।